राम राम जी, नमस्कार। देश वाल व्लॉग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बालक देखो जी, अपने फूफा गैल गुड़ मिल गए, खूब खेले हैं काल तय। तो आज भाई छोटे ये बता, अपने फूफा ने के खिलाओगा डोसा? डोसा। तो भाई आज हम चलेंगे इनके फूफा ने डोसा खिलान। आप लोग व्लॉग में बने रहियो दोस्तों, मजा आओगा। आज हम टेस्ट करेंगे साउथ इंडियन डिश अच्छी अच्छी। आप लोग भी देखियो, बहादुरगढ़ में नया रेस्टोरेंट खोलिया है, वहीं पर मैं इन्हें खिला के लाऊंगा। आज छोटा पूरी तरह ठीक हो गया है, डॉक्टर ने बोल दिया है भाई जो मर्जी आओ वो खिलाओ, और इसकी जो पूजा अर्चना थी वह भी पूरी होगी है, माता इसकी बिल्कुल ठीक होगी है। तो अभी चलते हैं दोस्तों डोसा खाने के लिए। तो जी बच्चे जो हैं वे काफी खुश हैं, क्योंकि इनकी बुआ जब आ जाए तो बच्चे काफी खुश हो जाए हैं, और कल से बहन घर पर डटी हुई है तो मजा आ गया। खासकर इस प्राणी का मजा आया, कितना मजा आया भाई। बुआ घर पर जाएगी आज, इस बारे में क्या कहना चाहोगे? प्रियन रोकेगा? हाँ। बुआ न जाने देगा? पक्की बात है ना, रोगा नहीं? हाँ। तो जी अभी चलते हैं डोसा खाने के लिए। बहन जी ने भी आज टेस्ट कराऊंगा, वे एक नई दुकान खुल ली है बहादुरगढ़ में। अरे एक बाप ने भी खिलाया था मारते, सब तो बढ़िया था, वो ही था खाया था छोटे डोसा। हाँ। कब खाया था बुआ ने? जब सेक्टर 2 में थे हम, है ना, बहुत अच्छा खिलाया था ना रात को। हाँ। रात को 2 बजे रोटी खाई थी। तो जी अभी चलते हैं सीधे हम डोसे की दुकान पे। और ये देखो जी मोहतरमा यहाँ पर रसोई में पानी पीने लग रही है। तो चलें जी, आप क्या खाओगे आज? मैं डोसा खाऊंगी। बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, मुंह पसीना पूछ ले। गर्मी लग गई है, रसोई में खड़ी रहेगी तो गर्मी लगेगी। पापा, हमने कुछ भी ना डाला, पेड़ उग गया। पेड़ उग गया? कुछ भी डाले बगैर? ऐसे कैसे पेड़ उग गए भाई? ये बरसात के कारण उग गए छोटे। दूसरा कौन सा फूल लग गया भाई? सही गया है। बच्चे जो हैं वे जाएंगे अपने फूफा के साथ स्कूटी पे, और मैं बहन जी सारी का जावांगे ऑटो में। तो मिलते हैं अभी जल्दी रेस्टोरेंट पर। कौन पहले पहुंचता भाई देखेंगे, चलो आओ। ये देखो जी छोटे को देखो कितनी जल्दी। हम पहुंचेंगे बेटे पहले, तो ये इस तरफ जाएंगे, हम जाते हैं इस तरफ ऑटो की तरफ। देखते हैं कौन पहले पहुंचता है रेस्टोरेंट पर। भाई शर्त लग गई है छोटे के साथ मेरी। और ये देखो जी हमारी सोसाइटी में नया गेट लग गया है, तिरंगे का पेंट कर दिया है, काफी सुंदर दिखाई दे है। ये गली आओ है हमारी सीधी सोसाइटी से। और अभी हमें रिक्शा मिली, हम लेट हो गए, बच्चे रेस्टोरेंट पर पहुंच लिए, शर्त हम हार चुके हैं। बहन जी शर्त हार गए, बच्चे क्या कतारने में मजा है। तो जी हम भी पहुंच गए हैं अभी उस रेस्टोरेंट पे जिस पर हम डोसा खावांगे। लोकेशन में आपने बता दू दोस्तों, ये बिल्कुल सामने जो है पुराना बस अड्डा है, और ये मेट्रो स्टेशन है सिटी पार्क वाला। सामने रोहतक रोड है, रोहतक रोड से थोड़ा अंदर आओगे आप नजफगढ़ रोड पे, तो बिल्कुल सामने आपने दिखाई दे जाएगा डोसा कॉर्नर के नाम से ये रेस्टोरेंट है। अभी चलते हैं इसके अंदर। तो जी हम शरत हार गए हैं और छोटा शरत जीत गया है। तो आपको क्या चाहिए ये बताओ? चलो ठीक है, आप शरद जीत गए, आपको डोसा खिलाऊंगा अभी अंदर। चलो आप लोग, इस तरह के बोर्ड आपने दिखाई दे जाएंगे, ये इसके साथ में स्टोर इंडिया है, और सामने बिल्कुल रोहतक रोड, ये वाला रोड गया नजफगढ़। अभी हम नजफगढ़ रोड के ऊपर हैं, बिल्कुल बस स्टैंड के सामने है, बिल्कुल आसान है आना। तो जी रेस्टोरेंट की शुरुआत देखो आप लोग, ये इस तरह से लड़ी लगा रखी है, और एक ताऊ है भाई हाथ जोड़े खड़ा है। अभी चलते हैं इसके अंदर। बैठने का जो है भैया ने बहुत अच्छा बंदोबस्त कर रखा है, 5 मैच है। और ये देखो जी दीवार पर जो है इस तरह की जो आजकल आर्टिफिशियल घास हुआ है वो लगाई गई है, साथ में पर्दे। तो बैठने का जो है वो बहुत अच्छा है अंदर से, और बिल्कुल सामने ये वॉलपेपर लगा गया डोसा कॉर्नर के नाम से। और ऊपर देखो आप छत पे, छत पे तो इस तरह की लाइटें हैं, 4 पंखे हैं, तो गर्मी का तो काम है नहीं, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। अभी मैं दिखाता हूँ यहाँ पे जो मेनू कार्ड है वो किस तरह का है। ये है जी इनका मेनू कार्ड जो कि डोसा कॉर्नर रेस्टोरेंट है। ये देखो जी बहुत सारी वैरायटी आपने मिलेगी, मसाला डोसा, बटर मसाला डोसा काफ़ी हैं, उत्पम भी है, वड़ा भी है,
और जी चाइनीज आइटम भी आपने इस पे मिल लेंगे और कोल्ड ड्रिंक्स भी आपने मिल लेंगी। तो सबसे पहले जो भाई है वो पानी लेगा होगा, सब ने पानी पिला होगा, बाद में आपसे ऑर्डर लिया जाएगा। ये हमारी फैमिली ने जो है मेन्यू कार्ड पढ़ लिया है, तो सबसे पहले बहन जी से पूछते हैं, बहन जी आप क्या खाना पसंद करोगे? मसाला डोसा। भाई मसाला डोसा बहन जी की फरमाइश है। और अभी बच्चों से मैं पूछता हूँ, हाँ भाई आप क्या खाना चाहोगे? चिल्ली पोटैटो। चिल्ली पोटैटो, भाई इनको डोसा पसंद नहीं है इसलिए ये खाएंगे चिल्ली पोटैटो। और हमारी एक टेबल और है इस तरफ, उनसे भी पूछ लेते हैं, हाँ जी आप क्या खाना पसंद करोगे? पनीर डोसा। पनीर डोसा, रिश्तेदार जो है पनीर डोसा खाओगा। और प्रिया आप बेटे? मसाला डोसा। और जी आप? मैं भी मसाला डोसा। ये मसाला डोसा, तो चलो मैं इनके लिए लगवाता हूँ, अभी ऑर्डर देता हूँ भाई, और फिर देखते हैं कैसा इनका टेस्ट है और किस तरह के डोसे ये बनाए हैं, बनते भी दिखाऊंगा दोस्तों। और सामने जो है ओनर बैठे हैं दुकान के, उनसे भी बात करेंगे वो बाद में करेंगे, लेकिन पहले देखेंगे इनकी मेकिंग किस तरह से ये बनाए हैं और क्या क्या चीजें यूज करें दोस्तों। रेस्टोरेंट की बगल में इनकी रसोई है, अभी चलते हैं इनकी रसोई के अंदर। तो ये देखो जी, अभी दो कारीगर हैं, तीन कारीगर थे भाई ने बताई मेरे को, एक छुट्टी बजा रहा है, तो काफी साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है रसोई में। ये देखो ये चाउमीन कटिंग। अच्छा चाउमीन की कटिंग है। हाँ जी, हाँ जी जी। ये शिमला है, ये गाजर है, हाँ जी। ये प्याज है, टमाटर है जी। और ये, भाई ये क्या है? ये सांभर का मसाला है सर। सांभर का मसाला, इसमें क्या क्या हो भाई? इसमें सर लहसुन, प्याज, लाल मिर्च, धनिया, सौंफ, मेथी दाना, कस्तूरी मेथी, सारे मसाले मिक्स होते हैं। मिक्स होते हैं, लोग कहते हैं सीक्रेट मसाला। अच्छा अच्छा, हम सीक्रेट नहीं बोलते, जो हमारा ओपन मसाला है भाई। ये कोई सीक्रेट मसाला नहीं है, जो सीक्रेट मसाला वो है वो भाई ने दिखा दिया है। अब जो मसाला ये है भाई, इसको शायद मिक्सी में पीसोगे ना? हाँ जी, हाँ जी, ग्राइंडर में पीसेगा, ग्राइंडर में ग्राइंड होगा। हाँ, और इसको उठा के एक बार मसाले और दिखा दो नीचे वाले। तो जी ये इनके नीचे वाले मसाले, ये कौन कौन से हैं भाई बताइए? नमक है। हाँ जी। ये अजीनोमोटो, ये लाल मिर्च। हाँ, ये हल्दी, ये धनिया पाउडर, ये पीली मिर्च, ये काली मिर्च, ये व्हाइट पेपर जी। तो भाई ये तो हो गए इनके मसाले, अभी देखते हैं कैसे ये बनाते हैं और इनका सांभर कैसा है। तो भाई ये देखो, जो सबसे मेन चीज हो है साउथ इंडियन डिश में वो है सांभर। तो भाई एक बार हिला के दिखाऊंगे, देखो। वाह भाई वाह, नजर आ रहे हैं सांभर, कड़ी पत्ते भी हैं, सारी सब्जी है इसमें, वेजिटेबल। तो सांभर में कौन कौन सी सब्जियां पड़े हैं भाई? घिया, सीताफल। अच्छा। बीन्स, गाजर, शिमला, सारी सब्जी पड़ती है, मिक्स सब्जी होती है, काफी सब्जियां सांभर में पड़े हैं। तो अभी हमारे ऑर्डर हैं दो तो मसाले डोसे हैं। अच्छा, और एक है भाई चिल्ली पोटैटो बच्चों के लिए। अच्छा जी। और एक है हमारा पनीर डोसा। अच्छा, तो सबसे पहले आप क्या लगाओगे? पहले मैं ला रहा हूं आपको मसाला डोसा। मसाला डोसा, जो इनका तवा है दोस्तों, देखो इस तरह का तवा, देखो डोसे का तवा जो है यो अलग है बिल्कुल। तो अभी भाई ने डाल दिया है पानी, क्योंकि ज्यादा गर्म तवा डोसे में चलता नहीं, थोड़ा ठंडा करना पड़े है। तो जी ये देखो, ये इनका बैटर है भाई। ये किस चीज का बना है? ये उड़द की दाल चावल का। उड़द की दाल और चावल, चावल का जी। तो जी अभी तैयार होगा पनीर डोसा। ये देखो, ये प्याज और कुछ मसाले डाल दिए हैं पहले। पनीर का डोसा थोड़ा अलग स्टाइल का तैयार हो है, इसका मसाला जो है पहले तैयार करना पड़ा है। प्याज भूंजी है, टमाटर भूंजे है, अब इसमें डालेंगे हम पनीर। तो जी ये देखो, इस तरह से पनीर बिल्कुल निचोड़ दिया जा है, प्याज और टमाटर और जो इनके मसाले हैं उनके ऊपर। और ये मिक्सर बना दिया पनीर डोसे का, जो कि डोसे के ऊपर जाओगा। वाह जी वाह भाई, देखने में तो काफी अच्छा लग गया है, खाने में भी अच्छा लगेगा। पनीर को काफी पसंद करे हैं बच्चे भी और बड़े भी। अभी तड़का लगाओगे? हाँ जी, हाँ जी। ये जी तड़का लगा दिया, ये देखो, ये लाल मिर्च डाली है, ये लाल मिर्च सूखे वाली। हाँ जी, हाँ जी। और ये धनिया और सरसों। धनिया और सरसों ये इसके ऊपर डाल दिया जी। देखो सरसों जो है उसका भी एक अलग टेस्ट हो है, खासकर साउथ इंडियन में। ये गया जी पनीर डोसे के लिए बैटर, अभी भाई इसने फैला देंगे। ये देखो भाई, यह भी एक कला हो है, किस तरह से कटोरी द्वारा ये पूरा गोल बना रहे हैं इसने, और कितना बैटर कहां पर फैलाना है ये कारीगर ने पता हो। जो जी पनीर वाला डोसा है वो लगेगा अमूल मक्खन में। ये देखो मक्खन निकाल लिया है भाई ने, और ये डोसे के ऊपर बिल्कुल लगा दिया है।
पनीर डोसा अमूल में तैयार हो है, जो इनका सादा मसाला डोसा है वो ये रिफाइंड में तैयार करें हैं। अभी जो मसाला है वो गया सारा का सारा ये डोसे के ऊपर। ये देखो जी, पनीर वाला डोसा काफी अच्छा दिखाई दे है। ये दूसरी तरफ भी हमारा मसाला डोसा तैयार होने लग रहा है। ये मसाला डाल दिया। तो भाई जो अपना आलू मसाला हो है ये वाला, इसमें क्या क्या हो है? इसमें नमक, मिर्च, धनिया, हल्दी, सारे मसाले होते हैं। मिक्सिंग मसाला बोलते हैं, लोग कहते हैं सीक्रेट मसाला। कड़ी पत्ता, हाँ कड़ी पत्ता, सरसों दाने सारे हैं। तो जी ये देखो ऊपर से भाई ने डाल दिया है, ये क्या डाल दिया भाई? कड़ी पत्ते डाले हैं, लाल मिर्च डाली है और सरसों डाली है, सरसों के दाने। तो ऊपर से ये अलग से मसाला पड़ा है, जब डोसा तैयार होने वाला है तब ये डालते हैं। अभी हमारा डोसा जो है तैयार हो गया है जी। ये देखो भाई रंगत जो है वह तो बड़ी कमाल की है, और नीचे से देखना आप कितना क्रिस्पी होगा यो। ये देखो जी, ये पलट दिया, अपना दूसरा डोसा भी तैयार हो गया है दोस्तों। तो जी दो ऑर्डर अपने लग चुके हैं कंप्लीट। ये देखो डोसा सांभर और ये नारियल की चटनी, ये चल पड़े हैं टेबल की ओर। तो जी सबसे पहले जो ऑर्डर है वो आया है मसाला डोसा, बच्चे और उनकी बुआ जो है वे टेस्ट करने आ गए हैं। ये देखो जी कैसा लगा बहन जी, सांभर कैसा है? एकदम बढ़िया, सही। और नारियल वाली चटनी? नारियल की चटनी बढ़िया है। देव आपको कैसा लगा? बढ़िया। और जी एक फाइनल ये देखो स्कोर पूछ लिया, आपको कैसा लगा जी? बढ़िया। और वे देखो जी पीछे वाले जो बंदे हैं उनके मुंह में पानी आ रहा है क्योंकि उनका ऑर्डर अभी आया नहीं है। सबसे पहले इनकी बुआ का ऑर्डर आया तो बच्चे तो इसी में लग गए, और आपका जो चिल्ली पटेटो होगा वो आपकी बुआ भी खाओगी। तो मैं भी एक बाइट चेक करता हूँ मसाला डोसा की। ये देखो ये मेरी बाइट है भाई, बहुत ही स्वादिष्ट है। सरसों का जो स्वाद आया है वो मुझे सबसे अच्छा लगा, और जो नारियल वाली चटनी है ये भी बेस्ट है। ये फीलिंग आप देख सको, आलू सरसों, तेज पत्ते का जो टेस्ट है वो भी काफी अच्छा है। और देवराज को बहुत ज्यादा पसंद है साउथ इंडियन, तो इसलिए देखो भाई पूरे मजे के साथ खाने लग रहे अपनी बुआ के साथ। और जी इस तरफ भी ये ऑर्डर आ गया है इनका, कौन से वाला है ये? ये पनीर वाला डोसा है जी। तो अभी इसका मसाला देखेंगे जी। ये देखो भाई लबालब पनीर है, और ये स्वाद में काफी अच्छा हो है। इसके साथ सेम वही सांभर और नारियल की चटनी। जो पनीर वाला डोसा है उसको भी मैं एक बार टेस्ट करके आप लोगों को बता दूं भाई किस तरह का ये। ये भाई छोटी सी बाइट ली है मैंने, ऊपर पनीर है और ये सांभर। तो अभी देखता हूँ मैं चेक करके इसको। वाह भाई ये हमारा एक मसाला डोसा और आ गया है। दोस्तों जो मसाला डोसा है उससे काफ़ी अच्छा टेस्ट में पनीर वाला डोसा जो है यो है, क्योंकि वो बना भी मक्खन में है और पनीर तो भाई सबको पसंद आ गई है। छोटे ने काफ़ी दिन में बाहर का खाना खाया है, नहीं तो इसको हमें वैसे के खिलाया करते के बताऊं दोस्तों। फल फ्रूट या कुछ कच्ची सब्जियां वगैरह जो डॉक्टर ने बताई थी उस तरह की चीज़ें, और तीन टाइम ये दवाई लिया करता। तो आज डॉक्टर ने इसकी यहाँ पर दी थी कि भाई कुछ भी खा सकता है बाहर का, तो इसलिए मैं आज डोसा खिलाने के लिए लेकर आया था इनको। बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट है और बहुत ही मज़ा आया मेरे को भी और मेरी फैमिली को भी। तो जी अपने जो चिल्ली पोटैटो हैं अभी भाई डाल लेंगे इसमें, और इसमें डाल दिया ये मक्खन, ऊपर से डाल दिया लहसुन, लहसुन और अदरक, थोड़ा सा इसे भूजेंगे हल्का सा जी, जिससे मतलब इसमें करारापन आए। ये जी प्याज और शिमला मिर्च डाल दिए ऊपर से, ये तड़का है चिल्ली पोटैटो का। दोस्तों हर डिश की अपनी अपनी अलग तैयारी हो है, तड़का भी अलग लग गया है। और इस तरफ हमारे चिल्ली पोटैटो देखो बिल्कुल गोल्डन कलर के हो गए हैं भाई। ये डाल दीजिए ग्रीन चिली सॉस, ये रेड चिली सॉस, ऊपर से नमक डाल दिया, और ये ब्लैक पेपर काली मिर्च भाई,
इस तरह से जो अपना चिल्ली पटेटो है उसका तड़का तैयार किया जा है, जो इसमें रंगत लाने के लिए जो लाल कलर हो है वो थोड़ा डाल दिया, जिससे ही ग्रेवी देखो बिल्कुल रेड कलर की हो गई है। और जी अभी आ गए हैं अपने चिल्ली पटेटो इस तड़के के अंदर, अभी इन सब को मिक्स कर दिया। अभी दोस्तों जो सबसे मेन चीज है ये है, देखो शहद है, ये डाल दिया इसके ऊपर, क्योंकि चिल्ली पटेटो में शहद बहुत जरूरी है, जिससे कि इसका टेस्ट जो है वो दुगना हो जाए। ये हो गए जी तैयार अपने चिल्ली पटेटो, जो कि बच्चे की पहली पसंद हो है, बच्चे इसको बहुत ज्यादा खुश होकर खाओ है। आजकल सेहत के लिए इतने अच्छे तो नहीं होते, लेकिन बच्चे होगी भाई थोड़ी फरमाइश पूरी करनी पड़े है दोस्तों। तो अभी आखिरी में देखो जी ये तिल डाल दिए ऊपर से, जो कि हनी चिल्ली पटेटो की पहचान है, ये इस तरह से तिल डाल दिए और ऊपर से डाल दिया हरा धनिया। भाई बड़ी जबरदस्त प्लेट दिखाई दे है, अब ये तैयार है बिल्कुल खाने के लिए। तो अभी चलते हैं टेबल पे और खा के इनका टेस्ट बताते हैं। ये आ गए जी बच्चों के लिए चिल्ली पटेटो स्पेशल, जो कि शहद में तैयार करे गए हैं। ये देखो जी बड़े ही शानदार लागे हैं, और छोटे को देखो इसके मुंह में पानी आ चुका है। तो शुरू करो बेटा, शाबाश। तो भाई बच्चे टूट पड़े हैं, ये स्पेशल बच्चों के लिए मंगाया था, और जो हमारे बड़े फैमिली मेंबर है वे अपनी बातों में मशगूल हैं, काफ़ी गर्म है, लेकिन छोटे ने करीब एक हफ्ते में इस तरह का खाना खाया है। तो दोस्तों जो दुकान के ओनर हैं वे हैं मेरे छोटे भाई मंजीत, जो कि छोटा थाना भाई खरखोदा के पास गांव है। तो मैंने भाई से पूछा कि भाई जो साउथ इंडियन डिश जो आप बनाओ और यो रेस्टोरेंट जो आपने ओपन कराया है, तो इसका आइडिया कहाँ से आया? तो भाई ने मेरे को बताया कि मैं एक बार सोनीपत गया था, तो सोनीपत में इसने खा के देखा, तो इसके दिमाग में आया भाई क्यों नहीं मैं भी पब्लिक के लिए एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोलूं। क्योंकि दोस्तों हर बच्चे दिमाग में कुछ ना कुछ करने की भाई जो है सोच होया करे, तो भाई की सोच यह थी कि बहादुरगढ़ में एक अच्छा रेस्टोरेंट खोल लिया था, जो कि साउथ इंडियन हो, साउथ का स्वाद बहादुरगढ़ वासिया नहीं हो देश का। तो भाई फिर ये रेस्टोरेंट ओपन कराया भाई ने। एक बात मैं बता दूं भाई, थोड़ा शर्मिला है कैमरे में बोल नहीं पाता, पहले ही बता दी इसने कि भाई मैं बोल नहीं पाऊंगा, कि भाई मैं बोल लूंगा। फिर मैंने सारी बात पूछी भाई ने, क्वालिटी तो साथियों समझौता नहीं करते। इस भाई का मेन मोटिव है कि बहादुरगढ़ वासिया ने साउथ इंडियन का ओरिजिनल स्वाद जो है वो मिल रहा है, क्वालिटी तो समझौता नहीं करेंगे। भाई ने कहा भाई मेरी बिक्री हो चाहे ना हो, लेकिन क्वालिटी के साथ समझौता नहीं होगा। तो भाई खा के देखा चिल्ली पटेटो, आज तो मैंने तीन डिश इनकी खाई है, एक मसाला डोसा, एक पनीर डोसा और एक चिल्ली पटेटो। और दोस्तों मेन हो है नारियल की चटनी और सांभर, साउथ इंडियन डिश में मेन चीज ये होती है, वे भाई की बहुत ज्यादा स्वाद लगी। तो भाई बार बार धन्यवाद जो आपने इतना समय दिया मेरे को। तो साथियों जितने भी मेरे भाई हैं आसपास के, एक बार डोसा कॉर्नर भाइयों भाई आप लोगों ने मजा नहीं आ जाना, तो मेरा नाम बदल दियो, मनदीप देसवाल की जगह मनदीप देसवाल जी कर दियो। धन्यवाद, राम राम सभी दोस्तों, नमस्कार।